एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हम सबके दिलों पे छाप छोड़ दी, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें गए 1.5 महीना हो गया और अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसे जहन में क्वेश्चंस उठते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको उन लोगों से मिलाने की जो उनकी ज़िंदगी में उनका हिस्सा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ है सुशांत के कुक, जो लगभग 4 साल तक उनके साथ रहे हैं, एंड उनका नाम है अशोक, अशोक कुमार खाशी जी। सो अशोक जी, कितने साल आप सुशांत के साथ रहे हैं? मैं 2016 से 2019 अक्टूबर तक। और कौन से घर पर सुशांत के साथ आप थे कुक? बांद्रा लिटिल हाइट से लेकर कैप्री हाइट तक। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 4 साल आप अगर किसी के साथ रहते हैं तो ऑन गोइंग रिश्ता एक बन जाता है, और उसके बाद आपने छोड़ दिया, सो ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ा आपने? एक्चुअली मेरे को घर पे 2019 सितंबर में मेरे को घर जाना था, तो घर जाने के बाद जब मैं आया तो ये लोग अक्टूबर में आपका यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे को मना किया गया था। अगर हम किसी इंसान के रिश्तों की बात करें तो जब उनके घर पर कोई काम करता है तो वो सब लोगों को कहीं ना कहीं जानने लग जाते हैं, और आप 4 साल तक सुशांत के साथ काम किए हैं, सो किस तरह के रिश्ते उनके रहे हैं लोगों के साथ? ऐसा है कि सुशांत का कभी ऐसा रिएक्ट नहीं आता था कि किसी के ऊपर की थोड़ा बदलाव आए या किसी को थोड़ा बाहर करूँ, वैसा कुछ नहीं था उनमें। कभी भी हम लोग से तो जनरली बात करते थे, फ्रेंडली रहते थे, कभी ऐसा रिएक्ट नहीं देखा हमने, कभी झगड़ा या कुछ किसी से नहीं। और रिया जब घर आती थी, जैसा आपने कहा कि वो आती रहती थी, हाँ, तो उनके रिश्ते कैसे रहे? जब तक मैं 2019 सितंबर तक था तब तक मेरे साथ भी ठीक था, और बाद में पता चला है कि उनको डेंगू है, उसके बाद फिर डिप्रेशन हो गया, ये सब बातें बाद में मेरे को पता चला। लेकिन जब आप उनके साथ हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं वो, कि हाँ इतना है कि वो फिटनेस ट्रेनिंग करता था और डॉक्टर के पास कभी नहीं गए। अब डिप्रेशन में था तो जिसने बोला गया उसी से पूछना पड़ेगा कि क्यों, वजह क्या थी डिप्रेशन में जाने की। और डिप्रेशन में गया तो क्या मतलब, किसी ने किसी को टॉर्चर किया या कुछ था तो वो ही बता पाएंगे, जिसने बोला डिप्रेशन में था और मेडिसिन ले रहा था तो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, कौन सी सेक्रेटरी या कौन सी डॉक्टर के पास था, वो सब उन लोग से लेना पड़ेगा आपको। आपने दिया की जिंदगी में एंट्री हुई है सुशांत की लाइफ में, तो क्या कुछ चेंजेस आपने खुद ने नोटिस किए सुशांत में, क्योंकि आप 4 साल रहे और जब आप थे तब रिया का भी आना हुआ था, तो कुछ चेंजेस, कुछ ऐसे परिवर्तन आपने खुद ने नोटिस किए? चेंजेस मेरे को यहाँ से लग रहा है, जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लग गए थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है, और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। पुराने में मेरे साथ था ये साहिल बंसर में था, और ये रजत मेवाटी था अकाउंटेंट में, और अभी दो लड़के जो थे मेरे, मैंने लगाया था उन लोगों को जॉब पे, तो वो दोनों अभी लास्ट तक टिके हुए थे, क्योंकि उन लोग को भी निकाला जाना था। मार्च स्टार्टिंग में मेरे पास फोन आया था कि हम लोग को भी निकलने, वो ऐसा मतलब गालियाँ देने लग गई थी, बोल रहे थे तो रिया चक्रवर्ती, तो फिर मैंने बोला था कि अभी रुको, जब तक सर का फाइनल नहीं रिपोर्ट नहीं आएगा या फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक तुम लोग वहाँ से हिलना नहीं, तो वो लोग टिके रहे थे दो जन बस। ये मान सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की ज़िंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह कोई इश्यू नहीं था कुछ, मैं 4 साल से उसको सर को मैं जानता हूँ, तो एकदम से छः महीने में ऐसा रिएक्ट आ गया कि मेरे को निकालना पड़ा, तो कोई तो वजह थी कि जो मेरे से नहीं हो रहा था या उनसे नहीं हो रही थी, तो मैं जानने के लिए 2-3 बार गया था लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया गया था।